कभी अपनी खूबसूरती के दम पर चर्चा में रहने वाली एक्टर साक्षी शिवानंद ने बॉलीवुड में नाम कमाया, लेकिन आज गुमनाम सितारों की लिस्ट में शामिल है। साक्षी ने फिल्म क्रोध में सुनील शेट्टी की बहन का किरदार निभाया था। इस फिल्म में दर्शक उन्हें खूब पसंद किया। इसके अलावा ये जंजीर, जन्म कुंडली, पापा कहते हैं और आपको भी पहले कहीं देखा है जैसी फिल्मों में नजर आई। साक्षी की डेब्यू हिंदी फिल्म जन्म कुंडली थी, लेकिन ये फिल्म फ्लॉप रही। हालांकि आपको पहले भी कहीं देखा है फिल्म उनके करियर टर्निंग पॉइंट साबित हुई। इस फिल्म में उनके साथ प्रियांशु चटर्जी थे। ये फिल्म 2003 में रिलीज हुई थी। इससे पहले कि वो बॉलीवुड में और नाम कमा पाती कि इन्होंने अंडरवर्ल्ड के चक्कर में इंडस्ट्री छोड़ दी थी। साक्षी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो बुरी तरह से डर गई थी जब उन्हें पता चला कि वो जिस फिल्म में काम कर रही हैं वो अंडरवर्ल्ड से जुड़ी हुई है। उन्हें हर किसी ने बताया था कि बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड का गहरा कनेक्शन रहा है। तभी साक्षी ने बॉलीवुड छोड़ दिया और साउथ में चली गई। साक्षी ने साउथ में अपने करियर की शुरुआत चिरंजीवी की फिल्म मास्टर से की थी। साक्षी साउथ की फिल्मों में काम करती आ रही है और वहीं की पॉपुलर हीरोइन में शुमार है। साक्षी ने 2016 में सागर नाम के शख्स से शादी कर ली। साक्षी 46 साल की हो चुकी है और आज भी बेहद खूबसूरत लगती है।